देश की सुरक्षा की कमान अब महिलाओं के हाथ में। जिहाद देश की सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली महिला कमांडो बटालियन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। यूपी एटीएस टीम ने देश की पहली महिला कमांडो टीम को तैयार किया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए कमांडो टीम में महिलाओं की स्पेशल यूनिट तैयार की जा रही है। कितनी खतरनाक है ये महिला कमांडो टीम, चलिए आपको बताते हैं। हाथ में AK-47 राइफल, साथ में ग्लॉक पिस्टल से लैस होकर फुर्ती के साथ हाथ में हथियार और नजर दुश्मन पर। जी हाँ, ये है देश की पहली महिला कमांडो की टीम जो आतंकियों पर अंकुश लगाने के लिए तैयार बैठी है। किसी कमरे में बंद आतंकियों को धर दबोचने की हर चुनौती के लिए ये महिला कमांडो तैयार है। आपको बता दें कि NSG SPG की तरह ही ट्रेनिंग के लिए ये भी कोई आम कमांडो नहीं है। आपको बता दें कि ये देश की पहली महिला कमांडो की टीम है जो UP ATS ने तैयार की है। UP ATS के STC यानी कि स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर पर ऐसी 30 महिला कमांडो की टीम तैयार की जा रही है। वहीं पुरुष कमांडो के साथ अब हर बेंच में 6 महिला कमांडो तैयार की जा रही। ग्लॉक पिस्टल, MP5 या फिर AK-47 जैसे कई खतरनाक हथियार चलाना हो या फिर किसी कमरे में छिपे आतंकियों को धर दबोचने की चुनौती हो, ये महिला कमांडो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। महिला कमांडो का सिलेक्शन एक कठिन परीक्षा के बाद होता है। उसके बाद प्रदेश भर की सिविल और पैक में तैनात महिला कांस्टेबल में से इनकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलिजेंस को परखा जाता है। इसके बाद इनको ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। साथ ही प्रदेश भर के कोने कोने से ऐसी 30 महिला कमांडो को ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया, जिसमें इनको शारीरिक तौर पर मजबूत होने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग और हाथों की ट्रेनिंग, साथ ही कोडेड कम्युनिकेशन, ऑपरेशन टैक्टिक्स जैसी कई बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है।